इस दोनों नंबर का डिफरेंस नाउ अगर इसको टेन परसेंट प्रॉफिट पे बेचता है इट मींस वो कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा ठीक है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस गिवन है कितना 80 रुपीज का कह रहा है कि एट्टी मोर रुपीज उसको खर्च करना होता तो अगर परसेंटेज में देखोगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 94 से 110 के बीच में तो ये टोटल डिफरेंस है 16 परसेंट का और परसेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है एट्टी रुपीज इट मीन सिक्सटीन परसेंट अगर एट्टी रुपीज है तो वन परसेंट का वेल्यू किस केंड्रेड परसेंट कितना हो जाएगा सिंपली फाइव इंटू हंड्रेड दट इंप्लाई फाइव हंड्रेड सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी राकेश बॉट ट्वेंटी बॉल्स स्पि एंड सोल्ड देम ड्यू टू तो कैलकुलेशन मिस्टेक इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस उंट इक्वल टू एस पी ऑफ फाइव पेन पॉइंटेज लॉस इफ हिज ट्वेंटी पेन्स टू फिफ्टी देखो ट्वेंटी पेन्स का कॉस्ट प्राइस कितना था टू फिफ्टी सो वन पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी दैट विल गिव यू ट्वेल्व पॉइंट फाइव छह सौ नौ नौ यहां पे क्या कह रहा है इसको लॉस हो रहा है और कितना सेलिंग प्राइस ऑफ फाइव पेंस और यहां पे सेलिंग प्राइस भी गिवन नहीं है तो लॉस कब होता है जब सीपी ग्रेटर देन होता है एसपी से टोटल सीपी आपको गिवन है टू फिफ्टी तो आप क्या लिखोगे टू फिफ्टी माइनस ट्वेंटी पेंस है एसपी नहीं पता तो अज्यूम कर लो ट्वेंटी एचपी और ये लॉस किसके इक्वल है फाइव एचपी के ठीक है तो यहां से आप क्या लिखोगे टू 25 SP. यहां से कितना होगा टेन तो आपको एस पी मिल जाएगा आपको कितना मिल गया टेन नाउ सीपी है है टेन तो लॉस कितना हो रहा है का है का लॉस और कितने पे ट्वेल्व पॉइंट फाइव पे अगर आप डेसिमल हटाओगे तो सिंपली क्या लिखोगे ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई वन टी फाइव इट मीन ये वन बाई फाइव लॉस किसके कुल होगा वन बाई फाइव और

और उसका रियल टर्म्स लेंथ कितना है वो है नाइन्टी सिक्स सेंटीमीटर शेसो और इसने अपने पॉपलिन को कॉस्ट प्राइस पे सेल करा है इट मींस जो भी प्रॉफिट होगा वो लेंथ के टर्म्स में होगा तो वो चार्ज करेगा हंड्रेड सेंटीमीटर के लिए और दे कितना रहा है नाइन्टी सिक्स तो इसका प्रॉफिट कितना है और का प्रॉफिट है कितने पे नाइनटी सिक्स पे वो हमेशा काउंट तो ये करेगा ना अगर लेट से वन रुपीज होता वन रुपीज लेंथ मीटर होता तो उसकी कॉस्टिंग कितनी होती 96 1, 96. But वो कस्टमर से कितना करेगा हंड्रेड इंटू वन तो हंड्रेड टोटल प्रॉफिट है वो कितने 4 का है कितने पे? 96 पे. तो सो हमारा कितना होगा फोर डिवाइडेड बाई नाइन्टी सिक्स दैट इंप्लाई वन बाई ट्वेंटी फोर और वो किसके कल होगा फोर वन बाई सिक्स परसेंट के सो so हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए शॉपकीपर चीट टू द एक्सटेंट ऑफ टेन परसेंट वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग बाई यूजिंग फॉल्स वेट फाइंड हिज गेन परसेंट एक चीज इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या यहां पे प्राइसिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा इट मींस जो ये पर्सन बिजनेस कर रहा है उसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे उसका प्रॉफिट कौन डिसाइड कर रहा है वो कर रहा है फॉल्स वेट इट मींस क्वांटिटी के टर्म्स में ये प्रॉफिट डिसाइड होगा प्राइस के टर्म्स में प्रॉफिट डिफाइंड नहीं होगा कि सोचने की कोशिश करो ये एक शॉपकीपर है ये मान लो कोई मैन है अगर लेट पे ने कोई हंड्रेड ग्राम कोई क्वांटिटी को खरीदा है बाय करा है तो ये फॉल्स वेट यूज कर रहा है और टेन परसेंट ग्राम और टेन परसेंट का प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो ये क्या करेगा ये शो तो करेगा कि टेन परसेंट बाय कर रहा है लेकिन रियल टर्म्स में ये कितना क्वांटिटी बाय करेगा ले लेगा हंड्रेड एंड टेन ग्राम से तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन से इसकी कितनी सेविंग हो जाएगी टेन ग्राम की इसको हमने एज इट इज रहने दिया नाउ जब ये ऑफर करेगा सेकेंड लेग में जब ये ऑफर करेगा तो ये क्या बोलेगा ये थोड़े ना बोलेगा कि मेरे पास 110 ग्राम है ये क्या बोलेगा कि मेरे पास 100 ग्राम है और हम इसको एवरी 100 ग्राम्स के टर्म्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं तो जब ये क्वांटिटी को ऑफर करेगा 100 ग्राम तो ये जो रियल बायर है उसको देगा कितना इसमें ये 10% प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको क्या करेगा ये 90 ग्राम से देगा शेषों तभी तो टोटल इसमें से टेन का डिफरेंस होगा टेन ग्राम का और प्रॉफिट कितना आएगा यहां से टेन परसेंट यानी टेन बाई हंड्रेड यहां से भी वो क्या करेगा टेन ग्राम और सेविंग कर लेगा इट जितनी बार ये एंड कस्टमर को देगा तो वो कितना क्वांटिटी देगा नाइनटी ग्राम सोनो और अपने पास सेविंग कितना कर लेगा यहां से टेन ग्राम बाइंग के समय और यहां से टेन ग्राम सेलिंग के समय तो टोटल सेविंग इसकी कितनी हो जाएगी 20 ग्राम्स के यही वो प्रोसेस हमेशा बार बार रिपीट करेगा 90 ग्राम्स फाइनल कस्टमर को देगा और अपने पास रख लेगा 20 ग्राम्स तो प्रॉफिट यही डिसाइड करेगा और वो प्रॉफिट कितना होगा 20 डिवाइडेड बाय 90 और ये किसके इक्वल होगा 2 बाई नाइन डेट इंप्लाई 22 टू बाई टू बाई नाइन परसेंट ये क्लियर है सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी देखो बहुत सारे वेबसाइट पे इसका आंसर ट्वेंटी वन परसेंट भी गिवन रहता है सो डोंट गो फॉर दैट आप तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करो जब तक आप खुद कन्विंस नहीं हो जाते हो अ शॉप कीपर चिट टू द एक्सटेंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट वाइल बाइंग एंड ट्वेंटी परसेंट वाइल एज वेल एज सेलिंग बाय यूजिंग फॉल्स वेट फाइंड हिज गेन परसेंट देखो लेट पे ये हंड्रेड ग्राम का बिजनेस कर रहा है ठीक है एक चीज तो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रॉफिट होगा जो भी प्रॉफिट है वो क्वांटिटी के टर्म्स में होगा हो दोनों में है, जो के है. Now, अगर वो हंड्रेड ग्राम बाय कर रहा है तो रियल टर्म्स में हंड्रेड ग्राम बाय करेगा लेकिन यहां पे ये ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट ले रहा है इटमीन ये ट्वेंटी ग्राम यहाँ पे चीटिंग कर लेगा तो यहाँ पे इसको 20 ग्राम की बचत हो गई सेविंग हो गई नाउ जब ये शॉपकीपर इसी 100 ग्राम को जब सेल करने के लिए ऑफर करेगा तो ये कितना ऑफर करेगा ये तो शो करेगा कि 100 ग्राम से है छे सोनो बट उसको ट्वेंटी परसेंट यहाँ पे भी प्रॉफिट चाहिए तो वो देगा कितना कस्टमर को वो कस्टमर को देगा एट्टी ग्राम और हंड्रेड में से ट्वेंटी यानी ट्वेंटी ग्राम अगेन यहां पे छुपा लेगा हाइड कर लेगा मीन एवरी एट्टी ग्राम्स के ट्रांजेक्शन पे बिगिनिंग में बाइंग से लेकर ओवरऑल सेलिंग तक वो टोटल अगर एवरी टाइम एट्टी ग्राम्स अगर वो कस्टमर को दे रहा है एंड कस्टमर को अगर दे रहा है तो उसके पास टोटल सेविंग कितना हो जा रही है बाइंग के समय 20 और सेलिंग के समय 20 तो 20 प्लस 20 कितना होगा 40 ग्राम सो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा परसेंटेज प्रॉफिट सिंपली होगा 40 डिवाइडेड बाई एंड इम्प्लाई वन बाई टू और टू के जी मोर फॉर आर एस फिफ्टी फाइंड द रिड्यूस एंड ओरिजिनल प्राइस पर के जी ऑफ शुगर प्राइस इन टू क्वान्टिटी किसके कॉल होता है एक्सपेंडिचर के ठीक है डोंट गो ऑन स्पेलिंग मिस्टेक यहां पे क्या कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ ट्वेंटी परसेंट मैंने आपको एक वीडियो में बताया था परसेंटेज का वीडियो उसका लिंक मैंने दे दिया यहां पे इस क्वेश्चन को आप एटलीस्ट थ्री मेथड से सॉल्व कर सकते हो मैं एक सबसे ईजीएस्ट मेथड से सॉल्व कर रहा हूं सबसे इजी मेथड से सॉल्व कर रहा हूं उसके बाद आप और भी मेथड में आपको बता दूंगा यहां पे क्या कह रहा है रिडक्शन ऑफ ट्वेंटी परसेंट मीन का क्या मतलब होता है वन बाई फाइव ठीक है तो अगर आपने वन बाई फाइव से किसी क्वांटिटी को डिक्रीज किया है तो दूसरा क्वांटिटी कितने से इंक्रीज होगा वन बाई फोर से इंक्रीज होगा से यहां पे एक्सपेंडिचर फिफ्टी कॉन्स्टेंट है अब जिन बच्चों को यह नहीं आता है उनके लिए मैंने आई बटन में एक वीडियो का लिंक दे दिया है वहां से देख सकते हैं सो so यहां पे वन बाई फोर से क्वांटिटी क्या होगा इंक्रीज होगा और ये वही इंक्रीज किसको बताएगा टू के जी मोर को सी सोनो तो अगर किसी क्वांटिटी का वन बाई फोर टू के जी है तो टोटल क्वांटिटी आपको यहां से कितना मिल जाएगा फोर इंटू टू दट इम्प्लाई एट के जी ये है आपका एट के जी आपको मिल गया इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल कितना है एट के जी फाइनल क्वांटिटी कितना हो जाएगा टू इंक्रीज कर दो तो ये टेन के जी सो so, आपसे क्या पूछ रहा है फाइंड द रिड्यूस एंड ओरिजिनल प्राइस तो रिड्यूसड प्राइस कितना होगा फाइनल क्वांटिटी आप अब टेन के खरीद रहे हो तो so, 50 डिवाइडेड बाई 10 दैट इंप्लाई यहां से आएगा फाइव रुपीज पर के जी ओरिजिनल प्राइस कितना था फिफ्टी रुपीज टोटल एक्सपेंडिचर था और क्वांटिटी था एट के तो फिफ्टी डिवाइडेड बाई एट दैट इंप्लाई ये आएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव रुपीज पर के जी So, हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी एन इंक्रीमेंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट इन द प्राइस ऑफ शुगर टू बाय टू के जी लेस फॉर आर एस फाइंड इंक्रीज्ड एंड ओरिजिनल प्राइस पर के जी ऑफ शुगर देखो प्राइस इन टू ये इक्वल होता है एक्सपेंडिचर के सोनू और यहां पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है सिक्सटी के अब क्या कह रहा है कि एन इंक्रीमेंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट इन द प्राइस ऑफ सुगर ट्वेंटी परसेंट का क्या मतलब है? One by five से आप क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो तो अगर प्राइस को आप वन बाई फाइव से इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी को किससे डिक्रीज करोगे वन बाई सिक्स से क्यों? एक्सपेंडिचर को कॉन्स्टेंट रखने के लिए ये कह रहा है टू के जी लेस खरीदता है तो यही वन बाई सिक्स किस को रिप्रेजेंट करेगा टू के जी को तो so, किसी क्वांटिटी का वन बाई सिक्स टू के जी है तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा सिक्स इंटू दैट इंप्लाई ट्वेल्व के जी ये क्लियर है तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना होगा इनिशियल क्वांटिटी कितना होगा इनिशियल होगा ट्वेल्व के जी और फाइनल कितना होगा टेन के जी टू के जी कम तो इनिशियल प्राइस कितना होगा 60/12 दैट इंप्लाई ये किसके इक्वल होगा 5 और फाइनल प्राइस कितना होगा 60/10 दैट इंप्लाई 6 सो इंक्रीज प्राइस कितना होगा 6 और ओरिजिनल प्राइस कितना होगा 5 तो so, हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी इफ द कॉस्ट ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन अ पर्सन गेट 10 केजी शुगर लेस इन आरएस 150 द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शुगर पर केजी देखो प्राइस इन टू ये इक्वल है एक्सपेंडिचर के ठीक है अगर आप एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरा डिक्रीज होगा और वो किस रेशियो में अगर आप वन बाई एन से किसी क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे तो दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज होगा वन बाई एन प्लस वन से तो यहां पे क्या कह रहा है 20% परसेंट से इंक्रीज करा आपने तो 20% का क्या मतलब है वन बाई फाइव से आपने क्या किया है इंक्रीज तो प्राइस को अगर आप वन बाई फाइव से इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी को किससे डिक्रीज करोगे वन बाई सिक्स से और यही वन बाई सिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 के जी लेस तो वन बाई सिक्स किसी क्वांटिटी का अगर 10 के है तो टोटल क्वांटिटी कितना होगा बच्चों वो हो जाएगा टेन इंटू दैट इंप्लाई सिक्सटी के नाउ 150 प्राइस है और 60 के ओरिजिनल क्वांटिटी है तो प्राइस कितना आएगा पर के जी का 2.5 बाई सिक्स आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिस बच्चों को ये नहीं पता है उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है वहां पे जाकर आप देख सकते हो परसेंटेज इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है वो कैसे होता है वो वहां पे जाकर आप आसानी से समझ सकते हो बच्चों तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है ठीक है सो so, वहाँ पे जाकर आप जरूर देख लेना नंदन परचेज ट्वेंटी डजन नोटबुक एट आरएस एस हंड्रेड पर डजन ही सोड फाइव डजन एट टेन परसेंट प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग फिफ्टीन डजन एट ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज इन दिस ट्रांजेक्शन देखो इसको आप विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन में क्या है? कि फाइव डेन परसेंट प्रॉफिट पे सेल करा है और फिफ्टीन को उसने सेल किया है ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट पे तो इन दो तो अज्यूम कर लो कि ये ओवरऑल सारे का एवरेज ट्वेंटी परसेंट था तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ये कितना परसेंट कम है माइनस टेन परसेंट कम है ट्वेंटी परसेंट से छो नो तो ओवरऑल कितना कम होगा इसको ट्वेंटी परसेंट में यही माइनस फिफ्टी परसेंट कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा टोटल ट्वेंटी डॉ माइनस फिफ्टी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी वैल्यू किसके इक्वल आएगा टू पॉइंट फाइव परसेंट के माइनस नाइन के साथ तो यही अमाउंट ओवरऑल में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो ओवरऑल परसेंटेज परसेंटेजेंट माइनस टू पॉइंट फाइव परसेंट तो ये वैल्यू किसके सेवेंटीन पॉइंट फाइव परसेंट के सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी यहां पे हमने टिप डेविएशन मेथड का यूज कर लिया है याद करो जो एवरेज के कॉन्सेप्ट में कर, करते थे हम क्वेश्चन को कि फाइव क्वांटिटी का एवरेज अगर टेन है और फिफ्टीन क्वांटिटी का एवरेज ट्वेंटी है तो इन दोनों को मिक्स कर दे तो, total, total कितना होगा? तो हम कर ले कि 20 है, तो ये कितना कम है टेन माइनस ट्वेंटी इसी कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन को आप किस मेथड से सॉल्व कर सकते हो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू ट्राई टू यूज कॉमन सेंस मैन बाइज राइस फॉर फोर थाउजेंड He sells of of it at profit of 15%. At profit percent loss should he sell remaining so as to make no profit, no loss on the whole transactions? देखो इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हो एक को लॉस में बेच रहा है दूसरे को प्रॉफिट में बेच रहा है और एट द एंड आपको नो लॉस गेन चाहिए इट मीन जीरो परसेंट फेस ऑन हो अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो यहां पे कह रहा है कि एक अमाउंट है 15 परसेंट पे नेट दोनों का कॉम्बिनेशन है जीरो परसेंट और लास्ट में एक लॉस में है सो मान लो ये एक्स परसेंट का लॉस है ठीक है एक और इंफॉर्मेशन ये बनाए कि जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो वन बाई थ्री है तो ऑफकोर्स जो टोटल क्वांटिटी हो कितना होगा लॉस का टू बाई थ्री तभी तो जाके टोटल क्वांटिटी होगा तो इसको आप वन बाई थ्री टू बाई थ्री लेने से ज्यादा बेटर है कि सपोज क्वांटिटी है तो इसमें से होगा होगा और 2 कितना ट्वेंटी होगा? होगा. So क्वांटिटी बेचा है एक्स परसेंट के लॉस पे नाउ आपको ये दोनों का रेशियो पता चल गया किसके रेशियो में टू so, आप रेशियो कैसे निकालते थे इस दोनों का डिफरेंस तो आप क्या लिखोगे फिफ्टीन माइनस जीरो और इस दोनों का रेशियो तो जीरो माइनस माइनस एक्स परसेंट और ये इज इक्वल टू किसके लिखोगे फिफ्टीन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको टू इज वन दैट इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा फिफ्टीन बाई टू दैट इंप्लाई सेवन पॉइंट फाइव परसेंट और ये क्या होगा लॉस सो so, हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी अ पर्सन बाइज हंड्रेड मैंगोज एट आर एस टूल टू बाई फाइव ऑफ द मैंगोज एट परसेंट प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग मैंगोज एट प्रॉफिट मैंगट इज हिज टोटल प्रॉफिट परसेंटेज इन दिस ट्रांजेक्शन देखो यहाँ पे टू बाई फिफ्थ मेन्शन है तो so, अज्यूम कर लो कि टोटल क्वान्टिटी कितना था टेन मैंगोज था तो so, टेन का टू बाई फाइव कितना होगा फोर मैंगोज ये टू बाई फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो थ्री बाई फाइव कितना होगा ऑफ कोर्स सिक्स मैंगोज डन एलिगेशन का यूज कर लो फोर मैंगोज को उसने टेन परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है और सिक्सटीन परसेंट प्रॉफिट पे उसने सिक्स मैंगोज को बेचा है तो यहां पे फोर है यहां पे सिक्स है तो अगर यहाँ से आप एवरेज परसेंटेज निकालोगे तो सिंपली आपको ये मिडिल का वैल्यू चाहिए अगर फोर क्वांटिटी टेन परसेंट का प्रॉफिट है तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना होगा 40 और यहाँ पे सिक्सटीन इंटू सिक्स है तो ये प्रॉफिट किसके इक्वल होगा नाइनटी सिक्स परसेंट के और यही डिस्ट्रीब्यूट होगा कितने में फोर प्लस सिक्स यहाँ पे आप क्या लिखोगे टेन यहाँ से इन दोनों को सम करोगे तो किसके इक्वल आएगा ये वन थर्टी सिक्स परसेंट और डिवाइडेड बाई क्या है टेन तो वेटेड एवरेज कितना हो जाएगा थर्टीन पॉइंट सिक्स परसेंट हमारा so, आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ऑप्शन में ये आर एस नहीं है ये परसेंटेज टर्म में है इफ्टुडेड फॉर आर एस फोर फिफ्टी एंड वन थर्ड बी सोल्ड एट ए लॉस ऑफ टेन परसेंट एट वॉट गेन परसेंट शुड द रिमेनिंग गुड्स सोल्ड सो एज टू गेन ट्वेंटी परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन देखो कुछ अमाउंट को

रेशियो आपको टेन इंस टू ट्वेंटी है मीन्स वन इंस टू टू का है तो ये रेशियो हम कैसे निकालते थे एलिगेशन में सिंपली क्या लिखोगे इन दोनों का डिफरेंस तो x माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस तो ट्वेंटी माइनस माइनस टेन तो ये वैल्यू किसके बोल जाएगा थर्टी और यही आपको मिलेगा वन इंस टू टू में तो यहाँ से आप क्या लिखोगे टू एक्स माइनस फोर्टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा थर्टी सो टू एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा सेवेंटी थर्टी फाइव परसेंट सो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डीन हैल द रिमेनिंग सो एज टू गेन ट्वेंटी परसेंट ऑन द होल देखो यहां पर टोटल हंड्रेड बनानाज है फिफ्टी को इन्होंने टेन परसेंट पे बेचा है और रिमेनिंग को कितने परसेंट पे बेचना है सो so दैट इनको ओवरऑल गेन 20 परसेंट का होना चाहिए सो so 50 अगर सेल कर दिया तो रिमेनिंग अमाउंट कितना कितना होगा बनाना बनाना का 50 सिंस टोटल था 100 नाउ यहां पे आपको यह पता चलेगा कि इसका रेशियो किसके इक्वल है वन इज टू वन का रेशियो है नाउ आपको अगर आप एलिगेशन का यूज करोगे तो यहां पर आप क्या लिखोगे एक्स माइनस डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे ट्वेंटी माइनस और ये किसके इक्वल होगा जो रेशियो है और यहाँ पे रेशियो किसके इक्वल है दैट तो आप क्या लिखोगे x माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे टेन दैट इम्प्लाई x का वैल्यू किसके इक्वल आएगा थर्टी के सो so यहाँ पे अगर आप फिफ्टी को टेन परसेंट और फिफ्टी को थर्टी परसेंट पे सेल करोगे तो आपको ओवरऑल एवरेज प्रॉफिट कितना मिलेगा ट्वेंटी परसेंट का सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी अ पर्सन बॉट टू वॉचेज फॉर एस फोर एट्टी सोल्ड वन एट ए लॉस ऑफ फिफ्टीन परसेंट एंड द अदर एट ए गेन ऑफ नाइनटीन परसेंट एंड ही लॉस देखो दो वॉचेज है तो मान लो फर्स्ट का सीपी है दूसरे का सीपी है सीपी टू ठीक है और इन दोनों का स्तंभ कितना फोर एट्टी जो क्वेश्चन में गिवेन है उसी के अकॉर्डिंग सोचो एज सिंपल एज दैट ये तो फर्स्ट कंडीशन है सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि वन वॉच को इसने लॉस पे सेल करा है कितने के 15 के तो फर्स्ट वॉच का सेलिंग प्राइस कितना होगा एसपी वन आपको लिखोगे तो ये क्या बताएगा एट्टी फाइव परसेंट ऑफ सीपी वन सी और एसपी टू कितना होगा एसपी टू में कह रहा है कि अदर एट ए गेन ऑफ नाइनटीन So, यहां पे आप क्या लिखोगे जो सीपी टू होगा सेलिंग प्राइस टू सेकेंड वॉच का वो क्या होगा वो होगा ऑफ तभी तो ये प्रॉफिट होगा और ये दोनों आपस में इक्वल है तो यहां से सिंपली परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे सेवनटीन से ये फाइव और सेवनटीन सेवन तो फाइव सीपी वन इज इक्वल टू आपको मिल गया सेवन सीपी आपको सीपी वन का चाहिए सिंस आपने इसको लॉस पे बेचा है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो दोन से तो यहां पे क्या लिखोगे सेवन सीपी सेवन सीपी टू क्या इजल एंटू सेवन और आपको पता है सेवन सीपी टू का वैल्यू किसके इक्वल है फाइव सीपी वन के तो सिंपली क्या लिखोगे आप सेवन सीपी वन प्लस फाइव सीपी वन इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा फोर एटी इंटू सेवन यहां से इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या मिलेगा ट्वेल्व सीपी वन इज इक्वल टू फोर एट्टी इंटू सेवन ये ट्वेल्व से तो वैल्यू आपको मिल जाएगा टू एट्टी ट्वेल्व कॉपीज ऑफ ए बुक वर सोल्ड एट आर एस एटीन हंड्रेड price बाई गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ थ्री कॉपीज a ऑफ ए कॉपी इज देखो ट्वेल्व कॉपी सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है 1800 के लेकिन इसमें थ्री कॉपीज के कॉस्ट प्राइस का थ्री कॉपीज के कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट इंक्लूड है से सुनो तो इनडायरेक्टली ये जो वैल्यू है दैट मीन्स जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा 15 कॉपीज के कॉस्ट प्राइस के इक्वल छो न तो आप सिंपली क्या लिखोगे फिफ्टीन सी पी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा वन एट डबल जीरो सो वन सी पी का वैल्यू किसके इक्वल होगा वन एट डबल जीरो डिवाइडेड बाई फिफ्टीन तो यहां से ये फाइव से ये थ्री फाइव से थ्री सिक्स जीरो और थ्री से ये वन ट्वेंटी सो ये आंसर क्या आएगा वन ट्वेंटी दैट इम्प्लाई ऑप्शन नंबर ए

shortest है उसको देखते हैं एंड दैट इज कॉल्ड यूनिट प्राइसिंग ठीक है यूनिट प्राइस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको एक यूनिट की सेलिंग प्राइस और एक यूनिट की कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे यहां पे क्या कह रहा है इतने 20 खरीदा है 60 में तो पर यूनिट प्राइसिंग कितना होगा एज सिंपल एज दैट 60 बाय 20 और दैट इंप्लाई ये ₹3 पर यूनिट ठीक है सेकेंड कितना था थर्टी खरीदा पे सो so, यहां पे थर्टी का कॉस्ट अगर सिक्सटी है तो पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा सिक्सटी बाई थर्टी एंड दैट इंप्लाई टू रुपीज पर यूनिट ठीक है नाउ यहां पे वन यूनिट है यहां पे वन यूनिट है एक की कॉस्टिंग है थ्री दूसरे की कॉस्टिंग है टू तो इन दोनों का एवरेज कॉस्ट कितना होगा थ्री प्लस टू डिवाइडेड बाई टू दैट इंप्लाई टू पॉइंट फाइव सो so, ये मिल गया आपको सीपी ठीक है अगर आप एसपी की बात करो तो यहां पे इसने 25 सेल कर रहा है कितने पे 60 पे तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 25 सी ट्वेंटी फाइव को आप डिवाइड करोगे तो ये किसके इक्वल होगा 2.4 पॉइंट फोर के इक्वल होगा ट्वेंटी फाइव इंटू टू तो 50 और 25 फाइव इंटू फोर करोगे तो किसके इक्वल आएगा पॉइंट फोर से 10 के इक्वल आएगा सो so, सिक्सटी So, आपको पर यूनिट कॉस्ट प्राइस था 2.5 पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितना है 2.4 तो आपको लॉस कितने का हो रहा है 0.1 का और कितने पे 2.5 पे परसेंटेज को हटाना है तो सिंपली क्या लिखोगे 1 बाई ट्वेंटी फाइव सी सोन वन बाई ट्वेंटी फाइव किसके कुल है 4 परसेंट के सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी ए इन्वेस्ट सिक्सटी फोर थाउजेंड इन ए बिजनेस बी ज्वाइन हिम विथ आर एस टी एट थाउजेंड एट द एंड ऑफ इयर द टोटल प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो टू इज टू वन आफ्टर हाउ मेनी मंथस डिट बी ज्वाइन जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट होता है वो होता है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के ठीक है जिसने जितना इन्वेस्ट करा है उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा So, यहां पे भी गिवन है कि ए और बी के बीच में प्रॉफिट किस तरह से डिवाइड हो रहा है टू इस टू वन के बीच में तो अगर ए का प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट की बात करो तो यहां पे ये इक्वल है टू इज वन में तो टोटल इन्वेस्टमेंट भी कितना हुआ होगा ए के लिए इन्वेस्टमेंट कितना है सिक्सटी फोर थाउजेंड इंटू ट्वेल्व के लिए बी के लिए इन्वेस्टमेंट कितना है फोर्टी एट थाउजेंड और ये अज्यूम कर लो कि इसने के मंथ के लिए इन्वेस्ट करा है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे इसी वैल्यू के यहां से, 16 से ये थ्री और सिक्सटीन से क्या होगा फोर जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा थ्री से ये कैंसिल होगा फोर तो आपको मिल जाएगा K इज इक्वल टू सिक्सटीन बाई टू दैट इम्प्लाई एट इट मीन्स बी ने टोटल कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करा है एट मंथ्स के लिए तो ए से कितने दिन बाद ये इन्वेस्ट किया होगा ए ने टोटल ट्वेल्व मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है यहां पे गिवन है एट द एंड ऑफ ईयर तो इफकोर्स बी ए के फोर मंथ्स बाद ज्वाइन किया होगा सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी द रेशियो इन विच दार्जिलिंग टी एट आर एस थर्टी टू पर के जी इज मिक्सड विथ असम टी एट आर एस ट्वेंटी फाइव पर के जी सो एज टू गेन ट्वेंटी परसेंट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट थर्टी टू पॉइंट फोर जीरो पर के जी देखो अगर एच पी थर्टी टू पॉइंट फोर जीरो है तो यहां पर प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट है सो हंड्रेड परसेंट लाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे थर्टी टू पॉइंट फोर जीरो इंटू हंड्रेड परसेंट डिवाइडेड बाई हंड्रेड एंड ट्वेंटी एज सिंपल एज दैट तो यहां से 100 परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल ये जीरो से जीरो ट्वेल्व से ये ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर एट तो ये आएगा टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट सेवन में अगर आप टेन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा ट्वेंटी सेवन के तो कॉस्ट प्राइस आना चाहिए ट्वेंटी सेवन आपको मर्ज करना है थर्टी टू का और मर्ज करना है ट्वेंटी फाइव तो एलिगेशन मिक्सर का यूज कर लो मिनिमम प्राइस कितना है ट्वेंटी फाइव मैक्सिमम प्राइस कितना है थर्टी टू और आपको इफेक्टिव प्राइस चाहिए ट्वेंटी सेवन तो यहां पे कितना अमाउंट होगा जो इन दोनों का डिफरेंस है तो ये वैल्यू किसके का और यहां पे कौन सा वैल्यू होगा जो इस दोनों का डिफरेंस सापर बॉट एजी ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ आर एस थर्टीन पॉइंट फाइव पर के जी मिक वन ट्वेंटी के जी ऑफ शुगर कॉस्टिंग आर एस सिक्सटीन पर 20% ही मस्ट टेल द मिक्सचर एट देखो यहां पे एक शुगर की कॉस्ट है 13.5 0 सेकंड शुगर की कॉस्टिंग है 16 पर केजी ठीक है ये 80 केजी है और यहां पे ये 120 केजी है देखो यहां पे एक छोटा सा की पॉइंट है अगर आपको इस दोनों को मिक्स करना है ना तो ये जो नंबर है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसका रेशियो भी वही इक्विवेलेंट प्राइसिंग देगा जो इसका रियल टर्म्स है इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 40 कॉमन फैक्टर है 80 में भी और 120 में तो अगर आप 2 के जी ऑफ थर्टीन पॉइंट फाइव और थ्री के जी ऑफ सिक्सटीन के जी भी मिक्स करने के बाद जो एवरेज प्राइसिंग आएगी वही एवरेज प्राइसिंग यहां पे भी होगी और इसको कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है जैसे यहां पे अगर टू के जी इस रेट से मिक्स करोगे तो इसका नेट वैल्यू कितना ट्वेंटी रुपीज और थ्री केजी केजी तो एट द रेट ऑफ पर से एड करोगे तो वैल्यू किसके इक्वल होगा सेवन और यहाँ पे टोटल कितने के जी हो जाएंगे टू और थ्री फाइव तो जो इफेक्टिव प्राइस होगा जो एवरेज प्राइस होगा मिक्सचर का वो हो जाएगा फिफ्टीन के जी और आपको कितना चाहिए ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट तो फिफ्टीन तो आप क्या लिखोगे फिफ्टीन इन टू ट्वेंटी बाई हंड्रेड दैट एम्प्लाई दैट मीन्स आपको मिक्सर को थ्री रुपीज से इंक्रीज कर देना होगा सो इक्विवेलेंट प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए फिफ्टीन प्लस थ्री दैट एम्प्लाई एटीन रुपीज सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर of a tape recorder is Rs. 1500. The manufacturer fixes the market price 20% above the cost of manufacture and allows a discount in a such a way as to get a profit of 8%. The rate of discount is. देखो जो भी क्वेश्चन में गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग सिंपल वे में सोचने की कोशिश करो यहां पे CP गिवन है कितना 1500 इस इत पे इसने एक मार्कअप प्राइस ऐड कर दिया है ट्वेंटी परसेंट का ट्वेंटी परसेंट बोले तो वन बाई फाइव सो यह वैल्यू किसकेस्टिंग कुछ डिस्काउंट देना है और वो डिस्काउंट कैसा होना चाहिए कि discount देने के बाद भी 8 का का हो तो profit किस पे decide होगा 1500 पे 1500 का 8 कितना होगा

एक क्वांटिटी कितने में बेचा है एट परसेंट प्रॉफिट पे हायर क्वांटिटी कितने में बेचा? 18 पे. और कितना है? 14 का डिफरेंस तो एटीन माइनस फोर्टीन दैट इंप्लाई फोर और इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा फोर्टीन माइनस एट तो ये सिक्स तो अगर आप यहां पर रेशियो टर्म्स की बात करोगे तो ये फोर इज टू सिक्स और यू कैन से ये टू इज टू थ्री में है तो फाइव यूनिट ही तो बेचा है टोटल टू यूनिट और थ्री यूनिट फाइव यूनिट का वैल्यू कितना था? थाउजेंड के जी सो so, वन यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल होगा टू हंड्रेड के जी का सो so, यहां पे इसने एट परसेंट प्रॉफिट पे कितना बेचा है टू यूनिट तो ये वैल्यू कितना होगा फोर हंड्रेड के जी और यहां पे कितना बेचा है एटीन परसेंट पे थ्री यूनिट तो ये होगा सिक्स हंड्रेड के जी सो हमारा आंसर कौन सा होगा एट परसेंट प्रॉफिट पे फोर हंड्रेड के जी दट इम्प्लाइ ऑप्शन नंबर डी